सभी शिक्षकगण को मेरा नमस्कार। शाला तर्पण पर दो नए अपडेट आ चुके हैं, एक तो लीव अप्रूव्ड का और दूसरा ऑनलाइन अटेंडेंस का, जो कल एक आदेश आया था यूजर मैनुअल का, लेकिन आज इस प्रक्रिया को आप अपनी शाला दर्पण की आईडी पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और कैसे ऑनलाइन अटेंडेंस करनी है। सावधानी बरतिएगा, क्योंकि 1 24 घंटे में एक ही बार आप अटेंडेंस कर सकते हैं। गलती हो गई तो उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड को आप लॉगिन करके अपनी आईडी को ओपन कर लीजिए। आईडी ओपन करने के बाद आप जिस प्रकार आपको ये इंटरफेस शो हो रही है, आपकी आईडी पूरी ओपन हो जाएगी और उसमें दिखाई देगा। आप दो जो नए अपडेट आए हैं उनको देख सकते हैं। पहला 16/1/2020 को यहाँ अटेंडेंस दे रखा है मॉड्यूल लिस्ट में, ACP पेंडेंसी रिपोर्ट, यानी कि आपका प्रमोशन रुक रहा है तो आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। दूसरा है स्टाफ डेली अटेंडेंस, ACP संबंधित कोई समस्या है तो भी यहाँ शो है। और दूसरा स्टाफ डेली अटेंडेंस का यहाँ अपडेट दे रखा है। ये दो अपडेट नए आए हैं और एक लीव का, जो आपको बता देता हूँ कहाँ है। आपको ऊपर डैशबोर्ड के बाद स्कूल, स्कूल के बाद स्टाफ को क्लिक करेंगे, इस प्रकार आपका इंटरफेस शो होगा, जिसमें दे रखा है नीचे स्टाफ के नीचे एक तो स्टाफ अटेंडेंस जो कॉलम शो कर रखा है रेड डिब्बे में वो, दूसरा लीव अप्रूवल। ये दोनों ही आपके नए आ चुके हैं आईडी में। तो स्टाफ अटेंडेंस को आपको क्लिक करना है। पहले ये प्रक्रिया बता देते हैं किस प्रकार होगी। अटेंडेंस को क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल का नाम आ जाएगा और आगे स्कूल आईडी और स्टेटस होगा कट, यानी जिस दिन आप इसकी अटेंडेंस लगाओगे वहाँ तीर का निशान, गुड का निशान आ जाएगा, और जिस दिन नहीं लगाओगे यहाँ कांटे का निशान रहेगा। तब तक 24 घंटे में एक बार अटेंडेंस होनी है, तो इस स्कूल को आप क्लिक कर लें। स्कूल को क्लिक करेंगी तो स्टाफ डेली अटेंडेंस में ये इस प्रकार मॉड्यूल खुल जाएगा, जिसमें सभी कर्मचारियों के नाम और आगे अटेंडेंस जो लिखा है। लीव डिटेल में अगर कोई लीव ले रखी होगी आज की डेट की तो वो शो हो जाएगी। अटेंडेंस में 6 प्रकार के मेन्यू यहाँ खुलते हैं। पहला है प्रजेंट का, आप प्रजेंट और प्रजेंट कर दिया जाएगा। स्वैच्छिक अनुपस्थिति, यानी अपनी इच्छा से कोई आपने सीए ले रखी है तो यहाँ, और वर्क अरेंजमेंट टू अदर स्कूल, दूसरे स्कूल में डिपोर्ट किया गया है तो आपको यह कॉलम रहेगा। दूसरा है वर्क अरेंजमेंट टू अदर ऑफिस, अगर किसी ऑफिस में आपको डिपोर्ट किया गया है तो इसको क्लिक करेंगे। ऑन ट्रेनिंग, यानी किसी प्रकार की ट्रेनिंग में गए हैं तो इसको क्लिक करेंगे। ऑन ऑफिशियल ट्रेवल, यानी किसी विभागीय कार्यालय काम से आपको बाहर भेजा गया है तो इसको क्लिक करेंगे। ऑन लीव, छुट्टी पे है तो आप इसको क्लिक करेंगे। इनमें से एक आपको भरना है। सभी कर्मचारियों डिटेल भरने के बाद आप नीचे एक कॉलम दे रखा है मार्क अटेंडेंस, तो आप मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। मार्क अटेंडेंस पे तभी क्लिक कीजिएगा जब सारी डिटेल ऊपर संतुष्टि से भर ली गई हो और किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, क्योंकि 24 घंटे में एक बार इसको आप कर सकते हैं और एक ही बार किया जा सकता है। एक तो आप इसको जल्दी नहीं करें, आपके पास पर्याप्त समय है, सुबह से लेकर रात्रि 12 बजे से पहले पहले आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। ऊपर जैसे ही मार्क अटेंडेंस पर आप क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार आपके सामने एक नई इंटरफेस आ जाएगी, जिसमें स्पष्ट लिखा होगा कार्मिक उपस्थिति पंजिका में अंकित उपस्थिति से सत्यापित कर लिया गया है व पूर्ण सावधानी ऑनलाइन में बरती गई है, जो प्रविष्टि की गई है बिल्कुल सही है। उसके बाद इसमें आप जैसे ही ओके करेंगे तो ऑल स्टाफ अटेंडेंस सेव्ड सक्सेसफुली, ये प्रत्येक दिन की आपकी अटेंडेंस इस प्रकार दर्ज हो जाएगी, जिसमें आपको पूर्ण सावधानी बरतनी है, क्योंकि 24 घंटे में आप इसको ऑनलाइन एक बार कर सकते हैं, तो किसी प्रकार की जल्दी ना करें। और उसके बाद जिसका प्रीफेस है इस प्रकार आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसे कि PO द्वारा स्कूल के द्वारा आईडी करेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार जो पहला स्कूल है उसकी हाजिरी हो चुकी है, और अपने आप करेंगे अपने ही स्कूल से तो प्रत्येक स्कूल की है अटेंडेंस के लिए टिक मार्क आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपकी ऑनलाइन हाजिरी है, जो अपडेट आ चुका है। अपनी आईडी आप ओपन करके देख लेंगे शाला दर्पण की, फिर भी किसी समस्या है किसी प्रकार की तो आप SMS या कमेंट कर सकते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन रहेगा कि वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करने के लिए जहाँ चैनल चल रहा है उसके नीचे चैनल का नाम और आगे सब्सक्राइब लिखा है रेड कलर में, इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बेल आइकन शो हो रहा है, उसको क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। और इस वीडियो को, क्योंकि ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो शेयर करना न भूलें और लाइक कर देवें। धन्यवाद।